बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी मेरे ब्लॉग में व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग है, मैं जा रहा हूँ अभी रानी चोरी, वहाँ है मेरा नानी गाँव। तो हमने जाना है पुण्यासिनी के मंदिर, वहाँ माता पुण्यासिनी का मंदिर है, तो वहीं जाना है हमने। तो मेरे साथ है मेरी मम्मी। बोलना चाहते कुछ? क्या बोल बोली? मैं के जा रही हूँ, वहाँ परम बोझ है। तो अभी तो सीधे डायरेक्ट वहीं मिलूँगा मैं आपको, सावली में। तो अभी टाइम हो रहा है 5 यहीं बज चुके हैं, अभी घर ही से जा रहे हैं। जब हम घर से आते हैं तो रास्ते में यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे देखिए पत्थरों की मूर्ति रखी है और ये मंदिर है यहाँ का, छोटा सा है बीच रास्ते में। और ये पूरा जंगल का रास्ता है, दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ से रोज़ का सफ़र होता है हमारे आने जाने का, और मिलते हैं सावली में। तो दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ सावली गांव में, और यहाँ का व्यू दिखा दूँ मैं आपको। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। दोस्तों अभी काफ़ी रात हो चुकी है और हम सावली से ऊपर रानी चोरी जा रहे हैं, और अभी हमने खाना पीना खाया और अब हम ऊपर जा रहे हैं सोने के लिए। देख सकते हो काफ़ी अंधेरा है, उजाला तो कर दे इधर। मिलते हैं अब सुबह, सुबह दिखाते हैं हम आपको क्या क्या सीन होता है वहाँ। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हो आप सभी लोग? तो अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 9:30 और हम हो चुके हैं रेडी, और अभी जाएंगे माँ पुण्यासिनी के मंदिर। तो दोस्तों अभी हम घर से निकल चुके हैं, बारिश भी काफ़ी लगी है, तो क्या करें, टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो अभी जाना है हमें। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ रोड पे, और ये एक्टिवा, ये बाइक है यहाँ पे, एक्टिवा लेके जाएगा आयुष भाई और मैं लेके जाऊँगा ये बाइक। तो चलते हैं फिर, और वहाँ सामने पुण्यासिनी का मंदिर उस तरफ, चलते हैं फिर, मिलते हैं पुण्यासिनी के मंदिर में। आ गया हमारे अपराधी पुरुष, ट्रैवल टू मिलाया, ट्रैवल टू रांचरी ना ना। अब आ चुका है वापस और आ चुके हम, अब जाने वाले मंदिर। संकट यहाँ पे बस बारिश हो रही तगड़ी, बारिश हो रही, मौसम तो अच्छा है, पर यहाँ का व्यू देखते एकदम गोपाल भवन जैसा। ये देखो पापा की परी यहाँ पे कुछ कर रही है, दादड़ से फिर रही है, और यहाँ पे ये बहुत ही है। दोस्तों पहुंच चुके हम यहाँ पे, और ये होता है मंदिर का रास्ता शुरू। पहले यहाँ रोड नहीं थी, पहले यहाँ ऊपर से था जंगल का रास्ता, अब यहाँ रोड आ चुकी है। क्यों अंकित भाई, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे हमारे साथ शेरू है, भाग रहा है हमारे पीछे पीछे।
था आपने इस तरह का है माँ पुंडासनी देवी का मंदिर और यहाँ का व्यू। एक बार जरूर आना आप भी माँ पुंडासनी के मंदिर में और अंदर की ओर एंट्री। तो दोस्तों यहाँ पूजा पाठ हो चुकी है और अभी जाएंगे हम नीचे गांव में जहाँ ब्रह्म भोज है, तो वहाँ खाना पीना होगा। तो दिखाते हैं हम आप वहीं का, जाएंगे हम नीचे घर को, मिलते हैं फिर नीचे। पहुंच चुके हैं हम गांव में। वीडियो बना ये मेरा प्यारा सा छोटा सा दोस्त मुन्ना मुन्ना भाई हूँ। हेलो ब्रो, कैसे हो? रानी चोरी का सिपाही हूँ। ये ब्रदर तभी हो गया रसोई का दाल भात, लेते हैं उसका आनंद। पहाड़ी खाना बड्डू की दाल और यहाँ पे गेट खुलने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही गेट खुलेगा यहाँ पे टूट पड़ेंगे, देख सकते हो आप। कौन बाहर जाते हैं लोग, देख सकते हो। जैसे गेट खुला और यहाँ हवाई मार के आ गया, ये देख सकते हो आप। दोस्तों कुछ इस तरह का था यहाँ प्रोग्राम, क्या था यहाँ था ब्रह्म भोज। कई सारे लोगों को पता नहीं होगा ब्रह्म भोज क्या होता है। हमारे साथ अंकित भाई है, इसे भी नहीं पता था क्या होता है ब्रह्म भोज। तो मैं आपको बता दूँ, जब कोई कपल ही समझ लो आप चार धाम यात्रा संपन्न करके आ जाते हैं, चारों धाम यात्रा घूम के आ जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ घर में कराते हैं ब्रह्म भोज। तो उसे कहते हैं ब्रह्म भोज। तो इस तरह का होता है ब्रह्म भोज। तो इस तरह का था कुछ यहाँ का, मैंने दिखाया आपको पुंडासनी देवी मंदिर और यहाँ ब्रह्म भोज था वो दिखा दिया मैंने आपको। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अभी जा रहे हैं हम चंबा। वो ब्लॉग मैं पार्ट टू में डालूँगा। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को करें लाइक कमेंट शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में पार्ट टू में। देखिए चंबा का मेला जा रहे हैं हम।